हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हुई हमने उसके बारे में डिस्कस किया, उनके फार्मूले बताए। उन फार्मूले में किस टर्म का क्या मतलब है ये आपको अच्छी तरह समझना है, एक बार उसको रिवाइज करना है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं उन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल व्यू पर। तो आज के लेक्चर में हम जो भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई उन सारे पर बेस्ट दो दो चार चार न्यूमेरिकल हम बताएंगे, जिससे कि आप आगे की एक्सरसाइज है जो एनसीईआरटी बुक में जो सवाल दिए हैं या आपके जो डीपीपी में जो सवाल दिए हैं उससे आप लगा पाओ सवालों। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं आपको करने के लिए। तो सबसे पहले हम बताते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पर कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको। तो क्वेश्चन से हमारा कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.42 ग्राम, कंटेनिंग 3.42 ग्राम ऑफ, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज पर लीटर, ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज पर लीटर एट 400 केल्विन, एट 400 केल्विन, 400 केल्विन टेम्परेचर गिवन है। आर की वैल्यू गिवन है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन इज द यूनिट, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ आर। ये आपको गिवन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज पर लीटर एट 400 केल्विन। आर की वैल्यू हमको गिवन है, हमको निकालना है जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये डेटा गिवन है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला होता है पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी, सी का मतलब है कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, यानी सी बराबर एन अपान वी, सी इक्वल्स टू एन अपान वी। एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वी का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा हमें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, क्योंकि तो यहाँ पर जो सी है कंसंट्रेशन वो मोल्स पर लीटर में होता है। आर की वैल्यू हमें गिविन है, टेम्परेचर भी हमको गिविन है, खाली हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू निकालना है 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज पर लीटर, यानी वॉल्यूम भी हमको 1 लीटर दिया है। तो वॉल्यूम हमको गिविन है कितना, 1 लीटर वॉल्यूम गिविन है क्वेश्चन में गिविन है। उसके बाद में अब हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब गिविन मास अपॉन मोलर मास, गिविन मास यानी सॉल्यूट का जिसके हम मोल्स निकाल रहे हैं उसी का मास होना चाहिए, उसी का ही मोलर मास होना चाहिए। यहाँ पर एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल्स बराबर सॉल्यूट का मास इन ग्राम अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास। तो सॉल्यूट का मास कितना गिविन है, सॉल्यूट का मास गिविन है 3.42 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। इसका अगर हम मोलर मास निकालेंगे, कार्बन का 12 × 12, एच का 1 × 22, ओ का 16 × 11, इन सबको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 144, 12, 22 और 176। इन सबको सॉल्व करेंगे 6 × 8, 4, 12 × 1, 4, 3, 342। तो 342 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमने निकाला नंबर ऑफ मोल्स, इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू को यहाँ से हट करके, या आपका जीरो बढ़ जाएंगे दो, इसको सॉल्व करेंगे दिया जाएगा 1/100, यानी नंबर ऑफ मोल्स आगे हमारे 1/100। वॉल्यूम हमको गिविन है 1 लीटर, आर की वैल्यू गिविन है, टी हमको टेम्परेचर 400 केल्विन गिविन है। ये सारी वैल्यू पुट करेंगे आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए क्या करेंगे,
ये वैल्यू इनपुट करने जा रहे हैं, पाई बराबर सी आर की, तो पाई हमको निकालना है, हमको सी बराबर एन अपान वी, एन की वैल्यू निकली 1/100, 1/100 का मतलब 0.01, ये हुआ 0.01, ये आपका आ गया एन की वैल्यू, अपान वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो 1 ही रखेंगे, आर की वैल्यू दी है 0.082, टेम्परेचर दिया है 400 केल्विन, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी 0.328, इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बराबर हो जाएगा 0.328 एटमॉस्फेयर, ये वैल्यू आ गया। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इस तरह से निकाल सकते हैं लोग, ठीक है। 400 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.2 × 4 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.328 एटमॉस्फेयर। पहला क्वेश्चन इस तरीके से निकालते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पर टेस्ट। ऐसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन, केल्विन मतलब टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन, एट 298 केल्विन 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.022 ग्राम, कंटेनिंग 3.022 ग्राम, 3.002 ग्राम ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड सॉल्यूट, ग्राम ऑफ एन अननोन सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है उसको हमको फार्मूला नहीं पता, सॉल्यूट कौन सा है उसका हमको फार्मूला नहीं पता है, अननोन सॉल्यूट है, प्रोड्यूस एन सोल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.55 एटमॉस्फेयर, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है नॉन सॉल्यूट है उसका हमको मोलर मास फाइंड आउट करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या क्या गिवन बच्चों, इसमें गिवन है 298 केल्विन टेम्परेचर है, 100 cm³, 100 cm³ का मतलब 100 ml, 1 cm³ बराबर 1 ml, ये ध्यान रखना हमेशा, कहीं पर cm³ दिया है तो इसका मतलब ml ही होता है, तो 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ एन अननोन सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है यानी स्मॉल w उसकी वैल्यू हमको दी हुई है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमको गिविन है, हमें निकालना क्या है, आर की वैल्यू गिविन ही रहती है, ये आपको याद रखनी है वैल्यू, ना भी दी हो तो भी आपको ये रखनी 0.082 यूनिट आपको पता है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, तो ये आर की ये वैल्यू रखनी है, और उसके बाद में हमको निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको देखिए, तो सबसे पहले जो चीज़ें हमको गिविन है वो हम नोट कर लेते हैं, हमको दिया हुआ है 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ अननोन सॉल्यूट यानी स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, तो स्मॉल डब्ल्यू जो है यानी मास ऑफ सॉल्यूट ये ध्यान में रखना है, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन तीनों में अच्छी तरीके से फर्क समझना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट की जो वैल्यू है स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं हम लोग, कहीं पर स्मॉल डब्ल्यू है इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, और कहीं पर कैपिटल डब्ल्यू अगर लिखा हो तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास कितना गिवन है 3.002 ग्राम ये दिया हुआ है, और वो अननोन सॉल्यूट है
और हमको उसका मोलर मास निकालना है, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी स्मॉल एम हमको निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। स्मॉल एम का मतलब मोलर मास, आप ध्यान रखिए मोलर मास, पूरा शब्दों में लिखिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो स्मॉल एम, तो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और उसके बाद में हमको क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर टी की वैल्यू दी है 298 केल्विन, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, और हमको क्या दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी दी हुई है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 2.55 एटमॉस्फेयर, ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया है, हमको ये सारी चीज दी है। उसके बाद में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है वो कितना दिया है, वॉल्यूम हमको सॉल्यूशन का दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 100 ml, ये कई बात है, ये चीज़ें हमको गिवन है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें हम लोग, तो पाई हमको निकालना है, सॉरी क्या नाम, हमको मोलर मास निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर जो डेटा गिवन है उसमें से हम ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फार्मूला अप्लाई होगा हमारा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला हमको पता है पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी, सी आर टी कंसंट्रेशन बराबर नंबर ऑफ मोस अपान वॉल्यूम आर इंटू टी, ये फार्मूला है। नंबर ऑफ मोस पहले निकाल लें, नंबर ऑफ मोस का मतलब गिविन मास अपान मोलर मास, गिविन मास अपान मोलर मास, गिविन मास कितना है 3.002, मोलर मास हमको नहीं पता, यही हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कर देंगे। वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 100 ml, यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, लीटर में चेंज करेंगे जो यहाँ पर ये वॉल्यूम है वो 100/1000, ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/10 यानी 0.1 लीटर, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो पाई की जगह हमारा है 2.55 बराबर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 3.002 अपान एम अपान 0.1 अपान 1 लिख सकते हैं इसको, इंटू आर की वैल्यू 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, ये वैल्यू आई बच्चों। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2.55 बराबर 3.002 एम, अपान का अपान है उल्टा करके मल्टीप्लाई, तो 1/0.1 इंटू 0.082 इंटू 298, ये सारी वैल्यू है इनको सॉल्व करना है। इन सब सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो एम की वैल्यू हमको निकल आएगी, और जो मोलर मास हमारा जो निकल करके आ जाएगा बच्चों उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 288.6 288.6 आ जाएगा मोलर मास। इसको सॉल्व करेंगे पूरी वैल्यू को, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी हमारी, एम की वैल्यू सॉल्व करेंगे ना एक बताइएगा, सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी 288.6 इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड। सारी वैल्यू हैं, खाली इसको सॉल्व करना है, काफ़ी सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने पर ना आए तो हमें बताइए, कोशिश करिएगा सॉल्व अपने हाथ से करें, और जब आपको थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तब आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, पहले कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल अगर पहले से करोगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, और एग्जाम के समय जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसके समय फिर आपका कैलकुलेशन सही नहीं आएगा या टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप प्रैक्टिस हाथ से ही करें, जब आपको ना आए कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो तभी आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मोलर मास आज सामने के लिए निकल के आ गया। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, अगला न्यूमेरिकल है कि 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, 5% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी मिला हुआ है उसमें, पानी सॉल्वेंट के रूप में है, और एक्वस सॉल्यूशन 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज आइसोटोनिक विद आइसोटोनिक विद 3% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, आइसोटोनिक विद
3% सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस सब्सटेंस एक्स है, देन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, देन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, देन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स। जो एक्स है उसका हमको मोलर मास निकालना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ क्वेश्चन बच्चों, या 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज है, तो 3% एक्वस सॉल्यूशन, 3% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, एंड दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, जो एक्स है ये भी एक्वस सॉल्यूशन ही है, एक्वस, तो 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज आइसोटोनिक विद 3% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, देन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ एक्स। सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है वो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सब्सटेंस एक्स। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे फॉर आइसोटोनिक, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन लगेगी पाई सुक्रोज बराबर पाई सब्सटेंस एक्स। जो सब्सटेंस एक्स है जिसका हमको मोलर मास निकालना है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होंगे। अब ये काम सेम टेम्परेचर पर रहता है, यानी टेम्परेचर समय सेम होगा, तो सी सुक्रोज, सुक्रोज के लिए हम एस कह दे रहे हैं, सी आर टी बराबर सी एक्स आर टी, सेम टेम्परेचर रहता है इसमें, टी सेम है, आर कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी सेम हो गई, यानी हमारा खाली सी एस बचा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, ये दोनों बचा। और सी का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, सी बराबर होता है एन अपान वी, यानी नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया, 5% परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, अगर 100 ml में 5 ग्राम अगर हमको शक्कर प्रेजेंट है तो 1 लीटर में कितना होगा। यहाँ पर जो 5% लिखा हुआ है, यहाँ पर जो 5% है बच्चों, इसको हमको अपने मन में समझना पड़ेगा मास बाई वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम जो है वो आपका ml में है और जो मास है वो ग्राम में है, तो मास बाई वॉल्यूम, क्योंकि परसेंटेज आपने सीखा होगा कंसंट्रेशन में परसेंटेज के 3 मतलब होते हैं, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास बाई वॉल्यूम, 3 तरह के होते हैं, मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो ये जो है मास बाई वॉल्यूम, तो मास बाई वॉल्यूम का मतलब है 100 ml में 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो अगर 100 ml में 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बात से हमें ये जो वैल्यू इतनी दी हुई है, इस वैल्यू से हमें क्या पता लगा कि जो वॉल्यूम है वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है 100 ml, 100 ml है, और जो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी शुगर वो दिया है 5 ग्राम, मतलब मास बाई वॉल्यूम, ये वॉल्यूम यूनिट है और ये मास यूनिट है ग्राम में, ये वैल्यू हमको दिया। तो इतनी बात हमको अगर यहाँ से पता चल गई है तो हम सी एस निकाल सकते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज कैसे निकाल लेंगे, अब यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स यानी सी एस बराबर सी एक्स, सी एस का मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज बराबर वॉल्यूम ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम वी का मतलब है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मतलब जो ये वॉल्यूम है ये लीटर में होना चाहिए, लीटर में कैसे चेंज होगा, अगर हम यहाँ पर
इसको ऐसे लिख दे कि 100 ml में 5% है तो 1 लीटर में कितने होंगे। तो अगर 100 ml में 5 ग्राम शुगर है या सुक्रोस है तो 1000 में कितना होगा। तो 1000 ml का मतलब होता है 50 ग्राम हो जाएगा। 50 ग्राम यहाँ पर 50 ग्राम रख देंगे तो वॉल्यूम कितना हो गया 1000 ml। 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 लीटर में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है 50। और नंबर ऑफ मोल्स का मतलब गिविन मास अपॉन मोलर मास। सुक्रोज का मोलर मास 342 होता है, लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एक्स वो कितना है 3%। तो 3% है तो इसका मतलब क्या है 100 ml में है 3 तो 1000 कितना होगा 30। यहाँ पर मोलर मास कितना है x का ये हमको नहीं पता, मोलर मास निकालना है। वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मोलर मास निकल आएगा। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो तो कितनी हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा कि m बराबर ये हो जाएगा 342 × 30/50 यानी 0 से 0 कैंसिल मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 6 3 4 12 कैरी ओवर 1 3 3 9 110/5 इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 5 2 10 500 5 5 25 बचा 1 0 तो ये 205.2 इसका जो मोलर मास निकल करके आ गया वो आ गया मतलब 205.2। जो सब्सटेंस एक्स था, जो सब्सटेंस अननोन था, उस अननोन सब्सटेंस का मोलर मास हमको निकल के आ गया इतना मोलर मास। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से सवाल किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर के। एक ऑस्मोटिक प्रेशर का सवाल और आगे करते हैं हम लोग। देखो इसको एक बार ध्यान से, जो बात ना समझ आए उसको आप पूछ सकते हैं एक बार कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू। तो इस तरीके से ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एक्स यानी जो सब्सटेंस था उसका मोलर मास हमको निकल करके। उसके बाद बच्चों एक न्यूमेरिकल और लगाएंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 cm³ 2% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया 200 cm³ 2% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला होता है बच्चों NH2CO NH2। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका फार्मूला है NH2CO NH2। यूरिया विद 200 cm³ ऑफ 2% 3.42% सॉरी 200 cm³ ऑफ 3.42% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोस देन पूरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है 20 डिग्री सेल्सियस आपको गिवन है। ये और आपका आर की वैल्यू जो है वो गिवन है
आर की वैल्यू होती है 0.082। ये वैल्यू अगर आपको ना दिया है तो आपको याद होना चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या खास बात दी हुई, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये और क्वेश्चन से डिफरेंट इस मामले में है। एक जो सॉल्यूशन है पूरा वो उसमें दो चीज़ें मिली हुई है, यानी क्या क्या है, 200 cm³ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है पहले, फिर उसको मिक्स कर दिया गया है 200 cm³ ऑफ 3.42% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज एट 20°C टेम्परेचर। पूरे सॉल्यूशन का 20°C है और हमको ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी हम एक बार निकालेंगे पाई वन और एक बार निकालेंगे पाई टू। पाई वन का मतलब सॉल्यूशन ऑफ यूरिया और पाई टू का मतलब है सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा जो वॉल्यूम है वो दोनों एक ही जो वॉल्यूम है वो टोटल दोनों मिक्स कर दिए गए। एक बर्तन है उसमें 200 cm³ यानी 200 ml उसमें डाला है, फिर उसी में 200 ml और मिला दिया गया सुक्रोज सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो 200 cm³ और 200 cm³ मतलब 400 cm³ हो जाएगा। यही इसमें एक नई बात है, बाकी क्वेश्चन पहले जैसा ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 200 cm³ जो है इसमें कितना है, तो यहाँ पर देखिए 2%, यहाँ पर हमने क्या बोला परसेंट, जब सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जब परसेंट कभी दिया हो तो परसेंट का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या कह रहा है 100 cm³, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml, तो 100 cm³ यानी 1 cm³ बराबर 1 ml, तो 100 cm³ का मतलब हुआ 100 ml। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 100 cm³ में 2 ग्राम प्रेजेंट है तो 200 cm³ में कितने प्रेजेंट हुए, यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे मास ऑफ यूरिया इन 200 cm³, मास ऑफ यूरिया इन 200 cm³ कितना हो जाएगा 2 × 2, क्यों, क्योंकि 100 में प्रेजेंट है 2, तो 200 कितना हो जाएगा उसका डबल 2 × 2 यानी 4 ग्राम हमारा प्रेजेंट हो जाएगा, यानी 4 ग्राम हमको प्रेजेंट है ये। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया तो फार्मूला क्या होता है, गिविन मास अपॉन मोलर मास, यूरिया का मोलर मास होता है 60, इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपका निकल आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.066, ये हो जाएगा भाई 0.066, ये निकला है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। उसके बाद बच्चों निकालेंगे मास ऑफ सुक्रोज, ऐसे जैसे ये निकाला है तो मास ऑफ सुक्रोज सुक्रोज इन 200 cm³, तो 100 में कितना प्रेजेंट है बच्चों, 100 में प्रेजेंट है आपका 3.2%, परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, तो 100 cm³ में इतना प्रेजेंट है, तो 200 cm³ में कितना होगा इसका डबल हो जाएगा, तो 3.42 × 2 ये आपका आ जाएगा। और उसके बाद में इसका आपको नंबर ऑफ मोस निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोस एन नंबर ऑफ मोस ऊपर लिख देते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमको, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिविन मास अपॉन मोलर मास, तो 3.42 × 2 अपॉन मोलर मास होता है सुक्रोज का 342, पॉइंट आ करके 2 जीरो बढ़ा दिए, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 100, 2/100, तो 2/100 करेंगे तो बच्चों कितना जाएगा 0.02, तो ये मोल निकला है सुक्रोज के, सुक्रोज के मोल, और ये वाले मोल किसके निकले यूरिया के, तो यूरिया के मोल इतने हैं और सुक्रोज के मोल इतने हैं, हमको दोनों के मोल पता चल गए, मोल पता चल गया क्योंकि आपका ऑस्मोटिक वाले प्रेशर वाले फार्मूले में हमको सॉल्यूट के मोल की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकाल दिए। आर की वैल्यू बच्चों फिक्स रहती है, टेम्परेचर भी आपको गिवन है, इस तरीके से आप ये सारी वैल्यू आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आपका जो दिया है वैल्यू यहाँ पर पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो पाई बराबर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और देखना है कि जो वॉल्यूम है तो टोटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा हमको,
टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम हमको टोटल लेना पड़ेगा क्योंकि हमने मिक्स किया है दोनों को, इसलिए वॉल्यूम एक नहीं रखेंगे, 200 सेंटीमीटर क्यूब और प्लस 200 सेंटीमीटर क्यूब, और बच्चों ये वॉल्यूम हो जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर क्यूब यानी 400 ml। तो टोटल वॉल्यूम हमको ये पता लग गया, आर की वैल्यू हमको पता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं पाई वन और पाई टू। तो पाई वन यानी हमारा यूरिया के लिए, पाई टू सिग्रोस के लिए। तो पाई वन बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी, ठीक है, सी वन आर टी। सी वन का मतलब है आपका कंसंट्रेशन ऑफ आपका यूरिया, और सी टू का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोस। तो इस तरीके से जो पाई वन है तो सी वन की वैल्यू हमको निकल के आ जाएगी। सी वन का मतलब कितना है, मोस, मोस की वैल्यू हमको पता है। तो मोस कितना हो जाएगा, मोस सी बराबर एन अपान बी। तो मोस कितने हैं इसके, 0.066 मोस अपान वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है बच्चों, 400, वो भी लीटर में होना चाहिए वॉल्यूम। तो 400 अपान 1000, ये हो गया बच्चों सी की वैल्यू। सी बराबर होता है, सी बराबर एन अपान बी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है। तो ये सी एन की वैल्यू दिया हुआ, नंबर ऑफ मोस निकले हैं, वॉल्यूम है हमारा 400, ये 400 इसको डिवाइड किया 1000 से। लीटर में चेंज करना है क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वी वहाँ पर रखते हैं हमेशा, वॉल्यूम लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो होता है मोस पर लीटर, एक लीटर में कितने मोल हैं, इसलिए वॉल्यूम शुड बी लीटर। आर की वैल्यू 0.082, ये हो गया आर। टी टेम्परेचर कितना दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज करेंगे केल्विन में तो 20 और 273 कितना हो जाएगा, 293। फिर इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पाई वन की वैल्यू निकल करके आएगी। सॉल्व करेंगे बच्चों, पाई वन की वैल्यू निकलेगी हमारी 3.96 एटमॉस्फेयर। पाई वन की वैल्यू इसको सॉल्व कर लेंगे, इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो 1000 पहुंच जाएगा ऊपर। तो पाई वन हमारा हो जाएगा, पाई वन बराबर ये हो जाएगा 0.066 अपॉन 400 इंटू 1000 पहुँच गया ऊपर, इंटू 0.082 इंटू 293। इसको सबको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी, ये पाई वन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, सॉल्व करने पर 3.96 एटमॉस्फेयर। ये आप सॉल्व जरूर करना घर पर, 3.96 एटमॉस्फेयर आप इसको सॉल्व करें जरूर। और देखें कई बार आंसर गलत भी रहता है, आंसर कुछ दूसरा लिखा रहता है, इसलिए आप इसको सॉल्व जरूर करें, देख लें इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पाई वन हमारा ही निकल आया। फिर उसके बाद में पाई वन जैसे निकाला है ठीक वैसे ही हम पाई टू भी निकाल सकते हैं। तो पाई टू निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई टू निकालने के लिए भी हम यही काम करेंगे जो अभी हमने पाई वन निकालने के लिए किया है। तो पाई टू बराबर सी टू आर टी। सी टू का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोस, क्योंकि सुक्रोस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना दिया हुआ है, सुक्रोस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ कितना है, 0.02। तो 0.02 रखना है हमको, 0.02 कंसंट्रेशन दिया है, 0.02 और आपका नीचे हो जाएगा 400 अपॉन 1000। ये हो गया आर की वैल्यू, वही पुरानी वाली 0.082। टेम्परेचर फिक्स है 293 केल्विन। सॉल्व करेंगे ये वैल्यू, सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई टू की वैल्यू सॉल्व करने पर हमारी आ जाएगी आपका जैसे 3.96 आया है, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगी 1.208 atmosphere। अब हमको पूछा गया है टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को जोड़ देंगे तो पाई वन प्लस पाई टू हो जाएगा टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो है आपका हो जाएगा पाई वन प्लस पाई टू। तो एक वैल्यू निकली हमारी है 3.96 शायद, और एक वैल्यू है 1.20, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 9 × 11 कैरी ओवर 1, 3 × 1 = 5 इतना एटमॉस्फेयर। इस तरीके से 5.16 एटमॉस्फेयर इज द आंसर। तो इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर के हमने कुछ क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, इसलिए सारा बता पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि और भी टॉपिक हैं, इसलिए दो चार क्वेश्चन हमने बताए। बाकी क्वेश्चन हम आपको एनसीईआरटी से करने के लिए देंगे, बुक आपके पास एनसीईआरटी की होगी, आपकी डीपीपी होगी, मिली होगी आपको, तो उसके हम क्वेश्चन नंबर बताते जाएंगे, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए या जो भी आपको लगे यहाँ इस फार्मूले पर बेस्ड हमको ये क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा हम कर सकते हैं, तो उसको जरूर करिए।
उसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक है रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब हम सॉल्व करेंगे सवाल रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर का। तो सवाल लिखेंगे रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर। द वेपर प्रेशर ऑफ the vapor pressure of 2% aqueous solution of 2% aqueous solution of 2% aqueous solution of 2% aqueous solution of a non-volatile substance of a non-volatile substance X at 373 Kelvin is at 373 Kelvin is 755 millimeter is the unit of pressure. कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट क्लियर। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज सिमिलर at 373 Kelvin is 760 millimeter. ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है? The vapor pressure of 2% aqueous solution. 2% aqueous solution है यहाँ पर of a non-volatile substance X at 373 Kelvin is this. कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 373 केल्विन इज दिस। हमें क्या क्या गिवन है? सबसे पहले हमको गिवन है कि प्योर सॉल्वेंट का, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है? प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को मानते हैं पी नॉट बराबर 760 mm। पी नॉट हो गया हमारा। फिर हमको क्या किया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब मिलाया गया है तो मिलाने के बाद उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, जिसको हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जो पीएस है उसकी वैल्यू है बच्चों 755 मिलीमीटर। ये पीओ और पीएस दो बात हमको पता चल गई। फिर क्या कहा गया है, 2% एक्वस सॉल्यूशन। 2% एक्वस सॉल्यूशन यानी जो 2% है, 2% एक्वस सॉल्यूशन है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू यानी कितना है, वो जो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 2 ग्राम प्रेजेंट है कितने में, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पूरा कितना है, 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना होगा, तो ये मास ऑफ सॉल्यूट अगर 2 ग्राम है तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर हमको निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट क्योंकि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 2 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट का मास निकल आएगा 98 ग्राम। यहाँ पर इसी बात से हम खाली सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास दोनों पता चल गया, क्योंकि 100 ग्राम सॉल्यूशन में केवल 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो यानी 100 - 2 करेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल आएगा। तो हमको ये पता चल गया, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस एक्स है, हमें मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे बच्चों। फार्मूला हमारा हो जाएगा PO माइनस PS अपॉन PO उसको स्मॉल n अपॉन कैपिटल n। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको सारी वैल्यू गिविन है। हमको PO की वैल्यू गिविन है, PS की वैल्यू गिविन है। PO कितना है, 760 है। PS कितना है, 755 है। PO कितना है, 760 है भाई। स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल n का मतलब है कैपिटल W अपॉन कैपिटल m। कैपिटल वाली चीज़ें सॉल्वेंट के लिए,
कैप्टन स्मॉल वाली चीजें सॉल्यूट के लिए, तो सॉल्यूट का मास कितना भैया 2 ग्राम, तो 2 ग्राम सॉल्यूट का मास लिविन है। मोलर मास कितना है हमको पता नहीं, यही हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्वेंट का मास कितना है 98 ग्राम। सॉल्वेंट कौन है, पानी, ठीक है, क्योंकि एक तो सीखा हुआ है, तो पानी का कितना रहता है 18। ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बस इसको सॉल्व करना बाकी रह गया, समझा सकता। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन किए जाएंगे। ऊपर बचेगा बच्चों 5 और नीचे आ जाएगा 760 इक्वल्स टू 2/m, ये हो जाएगा 18/98। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो m आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 760 रहेगा इंटू 2 × 18 और 5 × 98 नीचे आ जाएगा। ये सारी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 55.8 आंसर करके आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों मोलर मास हमारा निकल करके आ गया। इस तरीके से हम लोग रिलेटिव लोडिंग पेपर के सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए एक मिनट और देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ये क्वेश्चन आप करेंगे फिर से, इसको रख कर देते हैं, इस क्वेश्चन को आप करेंगे, क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 639.7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये हमको दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूट इन बेंजीन एट सेम टेम्परेचर, इन बेंजीन एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर इज 631.9 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सिर्फ मोलरिटी निकालना बच्चों, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसमें उनको मोलरिटी निकालनी है, कैसे मोलरिटी ढूंढेंगे ये आप निकाल कर दिखाएंगे, ठीक है, फिर नहीं आएगा तो हम फिर आपको बताएंगे, पहले आप ट्राई करेंगे कैसे मोलरिटी निकालेंगे, थोड़ा सा चेंज है इसमें, ठीक है, तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे हम, बाकी फार्मूला हमको पता है इतना, तो नंबर ऑफ मोल्स हमको ढूंढ लेने हैं और हमको मोलरिटी का फार्मूला भी पता है, मोलरिटी का फार्मूला आपने सीखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं ये बात हमें पता लग जाए तो यही मोलरिटी होती है। तो हमको इस डेटे से हमको मोलरिटी निकालनी, जो डेटा हमको गिवन है मोलरिटी निकालनी है, यानी इसी में सब कुछ दिया हुआ है, इसी में आपको ढूंढना है मोलरिटी कैसे निकलेगी, ठीक है, थोड़ा आप ट्राई करिए फिर हम बताते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज, एट अ सर्टेन
temperature is, the vapor pressure of pure benzene at certain temperature is 640 millimeter of mercury, 640 mm of Hg, millimeter of mercury, ये दिया हुआ है, ठीक है, millimeter of mercury, फिर कह रहा है, a non-volatile substance, a non-volatile substance whose mass is आगे हम डॉक्टर रहते हैं इसको whose mass is 2.175 mass is 2.175 ग्राम जो non-volatile सब्सटेंस है उसका मास दिया है 2.175 ग्राम is added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन यानी बेंजीन जो बेंजीन जो सॉल्वेंट है उसका भी मास दिया है जो सॉल्यूट है उसका भी मास हमको दिया हुआ है ठीक है द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर दिया है कितना है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 600 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ये दिया भैया ठीक है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस दिया उसका मोलर मास कितना होगा ये हमें निकालना है क्या कह दिया अभी देखिए द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का मतलब जो प्योर सॉल्वेंट रहता है सॉल्वेंट यहाँ पर बेंजीन है और उसका ये सिक्स फोर्टी यानी क्या दिया हुआ आपको बोलो बच्चों प्योर बेंजीन का P0 की वैल्यू दी है 640 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ये दिया हमको P0 की वैल्यू चलिए उसके बाद में यहाँ पर दिया है आपका ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी पीएस भी मिल गया हमको तो पीएस दिया बच्चों 600 मिलीमीटर टू ऑफ मर्क्यूरी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एमएम ऑफ मर्क्यूरी तो पी नॉट दिया है पीएस दिया दो चीजें हमको दी है फिर क्या दिया हमको ये दिया है सॉल्यूट का मास यानी स्मॉल डब्ल्यू बराबर दिया है 2.175 ग्राम कैपिटल डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया 39 ग्राम ओके बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है तो बेंजीन का फॉर्मूला रहता है बच्चों C6H6 तो यहां से हम क्या कर सकते हैं जो बेंजीन है उसका मोलर मास भी निकाल सकते हैं बेंजीन का तो बेंजीन का मोलर मास हमको निकल दिया जाएगा मोलर मास ऑफ बेंजीन फार्मूला C6H6 मोलर मास कितना हो जाएगा 12 6 जा 72 प्लस 1 × 6 यानी टोटल कितना जाएगा 78 मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन यानी कैपिटल एम भी दिया है हमको हमको स्मॉल एम निकालना है यानी मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है बच्चों तो बस हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे वही अपना पहले वाला कौन सा फार्मूला PO-PS/PO बस हमको ये सारे जो डेटा गिवन है इन डेटा को ध्यान में रखते हुए हम ये सारी वैल्यू लगा देंगे और फिर आंसर मिल जाएगा हमारा डेटा क्या है PO-PS/PO बराबर स्मॉल एन अपान कैपिटल एन तो पीओ की वैल्यू कितनी बच्चों पीओ की वैल्यू है 640 माइनस पीएस कितना है 600 फिर पीओ कितना है 640 और इक्वल्स टू स्मॉल एन का मतलब आपका 2.175 अपान एन अपान कैपिटल डब्ल्यू कितना है 39 अपान 78
इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा बच्चों 40, नीचे आ जाएगा 640। ये आ गया देखिए 2.175 अपॉन एम, इसको सॉल्व करेंगे ये 1/2 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे यानी 2/1 आ जाएगा। ये देखो बोलगा एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, काट सकते हैं 4 × 4 बचा 1, 2, 4, 6, 24 1/16 भी आ गया, और कट करके छोटा कर दिया हमने बिल्कुल, ये आपका आ गया 1/16। यहाँ पर आ गया भाई 1/16, यानी जो m बराबर आ गया बच्चों वो आ गया m बराबर 1 × 1 m ही रहेगा 16 × 2.175 × 2, यही आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 × इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, 5 × 10 कैरी ओवर 1, 2, 7 × 14 115 कैरी ओवर 1, 2 × 2 13, 2, 2 × 4 ये आ जाएगा हमारा वैल्यू 4.3750। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करेंगे ये वैल्यू हमारे आ जाएगा 69.6 हमारा मोलर मास आ सारे 69.6 ये वैल्यू आ गया। तो बच्चों आज हमने देखा कि ये दो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। अब हम आगे की जो न्यूमेरिकल है उसको हम फिर अगली क्लास में बताएंगे, हमारा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थैंक यू।